तो अस्सलाम वालेकुम, मैं इतने वीडियो फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश। इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो भी मैंने आपके लिए की थी इंग्लिश पे, जहाँ मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया था। बहुत ही अहम टॉपिक है बीए, खास तौर से मतलब फॉरेन लैंग्वेज में आपको यहाँ से दो तीन सवाल जरूर मिल जाएंगे। 60 सवाल आएंगे तो आप ये मान सकते हैं कि 3 सवाल मेरे ख्याल से या 2 सवाल इस टॉपिक से आपको मिल जाना चाहिए। तो आज की वीडियो भी इसी पे होगी। इसका जो जहां मैंने लास्ट वीडियो खत्म करी थी उसके आगे मैं आपको बताऊंगा। पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए वीडियो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ अभी अपने शेयर कर दें, उनको भी आप पहुंचा दें, इससे उनका भी तैयारी जो है अच्छे से हो जाए। और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक सही टाइम पे पहुंच जाए। टाइम बहुत कम रह गया, मैं आपको हर वीडियो बताता हूँ, आप वीडियो पूरी देखें और जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर काम आएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको एएमयू पहुंचना है। ये चैनल आपको एएमयू तक पहुंचाने जरूर हेल्प आपकी करेगा बहुत ज्यादा। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों जो पॉइंट था, अगर जो वन वर्ड है वो है एनोनिमस, एनोनिमस AnonymousAnyMous। इसका मतलब होता है अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हूज ऑथर इज नॉट नोन। ऐसा कोई भी आपका पीस ऑफ आर्ट है, कोई बुक है जिसका उसने जो भी काम किया है उसका जो करने वाला है उसके बारे में आपको नहीं पता है, उसको बोलते हैं हम एनोनिमस। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट है एंटीडोट DOTE। एंटीडोट क्या होती है? दवा होती है, मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जहर के असर को खत्म करने वाली दवा को बोलते हैं एंटीडोट। नेक्स्ट पॉइंट है अपोस्टेट APOSTATE। अपोस्टेट का मतलब होता है one who abandons religion, जो भी अपना धर्म छोड़ देता है उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में अपोस्टेट। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट है एरिस्टोक्रेसी ARISTOCRACY। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय नोबल्स, राजा रजवाड़े जब सरकार चलाते हैं तो बोलते हैं हम एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट है एसेटिक ASCETIC। इसका मतलब होता है वन हू प्रैक्टिसेस PRACTICES प्रैक्टिसेस स्पिरिचुअलिटी SPIRITUALITY मतलब सूफी या सेंट, उसको बोलते हैं हम एसेटिक। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट है असैसिनेशन। ये सवाल कई बार आता है, इसको जरूर नोट कर लीजिए, जहां सभी इंपॉर्टेंट है ये वाला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ASSASSINATION असैसिनेशन सवाल आ भी चुका है और दोबारा फिर आ सकता है। ये होता है दोस्तों इसका मतलब किलिंग फॉर पॉलिटिकल रीजंस, जब आप किसी को राजनीति के लिए मार देते हैं, किसी बड़ा कोई लीडर हो है उसको बोलते हैं असैसिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है एस्ट्रोलॉजी ASTROLOGY। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ इंफ्लुएंस या ऑफ इंफ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमंस। ठीक है ना, टीवी बैठ के कहते होंगे कि आपका दिन ऐसा रहेगा, तारे आपके ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, वो होता है आपका एस्ट्रो लॉजी। तो सिर्फ नेक्स्ट है पता होगा आपको एथीएस्ट ATHIEST। एथीएस्ट का मतलब होता है वन हू डज नॉट बिलीव
इन गॉड, जो गॉड में अपील नहीं करता है उसको बोलते हैं हम एथियस्ट। यानी जो पॉइंट है ऑटोक्रेसी, AUTOCRACY, इसका मतलब होता है रूल बाय वन पर्सन, जब एक ही आदमी अपनी बात चलाता रहे उसको बोलते हैं हम ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट उसका पॉइंट है, ये आपने टर्म सुना होगा आजकल बहुत यूज में आ रहा है, बैंक्रप्ट। बैंक्रप्ट इसका मतलब होता है वन हू कैन नॉट पे डेट्स। अगर आपका कर्जा है, उधार है, आप उसको पे बैक नहीं कर पा रहे हैं तो आप हो गए बैंक्रप्ट। नेक्स्ट उसका पॉइंट है बेलिकोज, BELLICOSE, बेलिकोज का मतलब होता है वन या वन who is fond of fighting। अगर आप लड़ने का शौकीन है तो आप बेलिकोज है। नेक्स्ट पॉइंट है उसके बेलिजरेंट, BELLIGERENT, बेलिजरेंट, GER राइटिंग तो जरूर आप, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए, स्पेलिंग बोल रहा हूँ मैं, बेलिजरेंट, BELLIGERENT, इसका मतलब होता है इंगेज इन वॉर और फाइट। कोई अगर फाइट में या वॉर में आप इंगेज हैं तो आप होंगे बेलिजरेंट। नेक्स्ट पॉइंट है बिब्लियोफाइल, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है वन हू लव्स एंड कलेक्ट बुक्स, जिसको बुक का शौक होता है उनको पढ़ने का और उनको इकट्ठा करने का उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बाइगैमी, यहां जगह है लिखता हूं बाइगैमी, BIGAMY, बाइगैमी का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइव्स, दो बीवियां रखने का चलन, इसको बोलते हैं बाइगैमी। दोस्तों आज का लास्ट पॉइंट है, यह है बिगॉट, BI यहां नीचे लिख दूं आपको दिख जाएगा, BIGOT, बिगॉट, इसका मतलब होता है वन हू हैज नैरो एंड prejudiced, PREJUDICED, prejudiced opinion। बिगॉट का मतलब होता है जिसके जो है विचार बड़े ही नैरो होते हैं उसको बोलते हैं हम बिगॉट। दोस्तों ये कुछ और थे मैंने आपको दिए, इससे पहले वाली वीडियो मैंने दिया था, इनको आप नोट कर लीजिए, मैं बहुत ही छाट के आपको दे रहा हूँ, सवाल यहाँ से आपको मिल जाएगा जरूर, कोई वीडियो मेरी मिस ना करें, सब्सक्राइब कर लें अभी अगर पहली बार देख रहे हैं तो, वरना फिर आप बाद में पछताएंगे, क्योंकि यहाँ सवाल यहाँ से आएगा जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।